ठीक है, तो इन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी मीन्स द वन दैट रिमेन्स ऑन द मदरबोर्ड। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होगी जो मदरबोर्ड पे डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, एंड दैट इज फिक्स्ड वन। फिर इंटरनल के अंदर जब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज जो टर्म है स्टोरेज, स्टोरेज मीन्स फॉर परमानेंट, जो डाटा वो परमानेंटली स्टोर करती है। और मेमोरी स्टोरेज के अंदर ये होता है कि मेमोरी की जो साइज होता है वो कम होता है एज कम्पेयर विद स्टोरेज। मेमोरी तो आपके पास 4 GB, 8 GB, 16 GB इस तरह से होती है, लेकिन ये जो स्टोरेज होती है ये आपके पास ज़्यादा होती है, 1 TB तक भी होती है, और ये परमानेंट होती है। तो अच्छा, इसके लिए ये होता है कि सेकेंडरी स्टोरेज के लिए हमें सेकेंडरी स्टोरेज को कनेक्ट करना पड़ता है टू दी मदरबोर्ड विद द हेल्प ऑफ केबल। दैट इज द रीजन व्हाई दे आर कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज, यानी इन्हें हमें मदरबोर्ड से कनेक्ट करना होता है बाय यूजिंग केबल। मैं लास्ट टाइम भी एक वो दिखाई थी आपको, इमेज दिखाई थी कि किस तरह से जो है वो कनेक्ट होता है। मैं दोबारा भी दिखा देता हूँ कि एक हमने इमेज डिस्कस की थी। इनसाइड सीपीयू की, तो यहाँ हमने देखा था कि जो मदरबोर्ड पे डायरेक्टली कनेक्ट हो रही होती है वो हमारे पास होती है रैम एंड रोम। दैट इज द रीजन व्हाई वी कॉल्ड देम एज प्राइमरी मेमोरी। लेकिन जिसको फिर हमें थ्रू द वायर्स कनेक्ट करना पड़ता है वो हमारे पास हो जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो वायर्स के थ्रू हम कनेक्ट कर रहे हैं, अपनी हार्ड डिस्क है या SSD है, तो ये डिवाइसेस हमारी मदरबोर्ड पर डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती, इन्हें हमें कनेक्ट करना पड़ता है बाय यूजिंग वायर्स। दैट इज द रीजन व्हाई दे आर कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या होता है इन अ नेक्स्ट सिनारियो कि एक्सटर्नल स्टोरेजेस हमारे पास होती हैं। एक्सटर्नल स्टोरेज हमारे पास वो डाटा होता है जो हम उसको रिमूव कर दें लेकिन स्टिल इट कीप्स द डाटा, जैसे CD है, DVD है, DVD रैम है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैम, ब्लू रे डिस्क हो गई, USB मेमोरी स्टिक और फ्लैश ड्राइव है। अच्छा, यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी के बारे में देख सकते हो आप, डायरेक्टली एड्रेसेबल बाय द CPU, डायरेक्टली कनेक्टेड है और उसमें रैम एंड रोम होती है, कैश मेमोरी होती है। सेकेंडरी स्टोरेज डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होती, एड्रेसेबल नहीं होती CPU से, दे आर नॉन वॉलेटाइल, मीन्स कि वो ना खत्म होने वाली है, उनका डाटा ना खत्म होने वाला है, और वो हमारे पास एक्सटर्नल और इंटरनल हो सकती हैं। और उसकी एग्जाम्पल हमारे पास जो होती है वो हार्ड डिस्क, SSD, DVD, ये सब चीज़ें होती हैं। लास्ट क्लास में मैं डिस्कस किया था कि रैम एंड रोम आर द टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, जिसमें से कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे कि रैम इज अ मेमोरी दैट बेसिकली रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट कंटेन्स द डाटा करंटली बीइंग प्रोसेस। जैसे कि अभी मैं ये आपके सामने शेयर कर रहा हूँ PDF। अब ये कि इन केस लैपटॉप की मेरी बैटरी अचानक खत्म हो जाती है तो ये जो कुछ आ रहा है ये चला जाएगा, तो ये जब दोबारा सिस्टम रिस्टार्ट होगा तो ये सब चीजें नहीं आ रही होंगी, मुझे दोबारा से ओपन करना होगा। तो मेमोरी के अंदर जो भी करंटली डेटा प्रोसेस होता है वो रैम में होता है। रोम कंटेन्स द फाइल नेसेसरी टू बूट अप द सिस्टम, जो नेसेसरी होती है फाइल सिस्टम को बूट अप करने के लिए वो रोम में होती है। अच्छा, उसके अलावा होता है रैम इज वॉलेटाइल, रैम खत्म होने वाली है, और रोम जो होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें भी लिखी हुई है। रैम के अंदर डाटा आप रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, बट रोम के अंदर एक बार आपने डाटा लिख दिया दैट इज ओनली रीड ओनली, फिर उसको आप राइट नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें हैं इसके बारे में, ये हमने डिस्कस कर ली थी। रैम के बारे में जो हमने कल बातें की थी तो हमने ये देखा था कि रैम जो होती है उसकी दो टाइप्स होती हैं, SRAM और DRAM, स्टेटिक और डायनेमिक रैम। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि डायनेमिक रैम वो होती है जिसको रिफ्रेश होने की जरूरत पड़ती है, और स्टेटिक रैम वो होती है जिसको रिफ्रेश होने की जरूरत नहीं पड़ती। एज यू कैन सी यहाँ लिखा हुआ भी है कि अ मेजर डिफरेंस बिटवीन SRAM एंड DRAM इज कि SRAM जो होती है उसको रिफ्रेश होने की जरूरत नहीं है, डायनेमिक को रिफ्रेश होने की जरूरत होती है। एक तो ये इसका मेजर डिफरेंस हो गया। स्टेटिक रैम फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करती है सर्किट के लिए, फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करती है, इट मेक यूज ऑफ फ्लिप फ्लॉप,
0 on 1 इसके लिए। ऑन दी अदर साइड जो डीरैम होती है वो आपके पास इस्तेमाल करती है कैपेसिटर्स का और ट्रांजिस्टर्स का, जिसमें से कैपेसिटर जो है वो होल्ड करते हैं बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन 0 1, और ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो स्विच के तौर पे काम कर रहे होते हैं। जैसे सर्किट के अंदर स्विच 0 1 के लिए काम करता है, इसी तरह ये यहाँ पे काम करता है। अच्छा, उसके अलावा ये बताता है कि डीरैम जो होता है वो लेस एक्सपेंसिव होती है। लेस एक्सपेंसिव होगी तो इसका मतलब है कि उसकी स्पीड भी एसरैम के मुकाबले में स्लोअर होगी, तो पावर भी कंज्यूम करेगी जब स्लो होगी तो दे हैव कंजम्पशन ऑफ द लेस पावर एंड दे हैव हायर मेमोरी कैपेसिटी देन एसरैम। तो तकरीबन तीन तीन चार चार पॉइंट आपको ये सारे याद होने चाहिए। यहाँ पे जैसे एक डिफरेंस और है, तो आपको तीन से चार डिफरेंस के अंदर एक चीज और भी मिलती है कि एसरैम फैस्टर होती है। तो एसरैम के अंदर जब आप डाटा एक्सेस करने के लिए जाते हो तो वो 25 नैनोसेकंड में डाटा को एक्सेस कर लेता है एज कम्पेयर विद डी रैम जिसमें 60 नैनोसेकंड आपको डाटा एक्सेस करने में लग जाते हैं। सो दिस इज हाउ द डिफरेंसेस, दिस इज ऑल वी हैव डिस्कस्ड। यहाँ तक बात समझ में आ जाती है सारी, आगे जा रहा हूँ। कैन आई हैव योर रिस्पॉन्सेज सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, इसमें कोई भी चीज अनक्लियर तो नहीं है। फ्लिप सर फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं? फ्लॉप कोई भी ऐसा सर्किट होता है जो 0 1 पे काम कर रहा होता है। अच्छा नॉर्मली इसके अच्छा लिए इतना ही आपको याद करना होता है कि फ्लिप फ्लॉप में अगर आप इनपुट 1 दे रहे होते हो तो इट गिव्स यू द वैल्यू 0, और 0 दे दे तो वो 1 देता है। पर ऐसा तो भी कहा जाता है इसको कि एक का इनपुट दूसरे का आउटपुट के तौर पर काम कर रहा होता है। सो लाइक लॉजिक गेट्स। जी लॉजिक गेट्स जी शायद जी अगर मुझे नजर आया तो मैं बता भी दूँ, क्योंकि इसका ज्यादा इसको ज्यादा तो आपने डिफाइन नहीं करना, लेकिन वो कुछ ऐसा होता है कि वो मैं आपको बता सकता हूँ कि इट वर्क्स लाइक दिस। सर आपकी स्क्रीन में नजर नहीं आ रहा कुछ भी। आ जाएगा, मैंने वो किया, ये मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, इसमें और ज्यादा आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन जाता है, यहाँ देख सकते हो आप फ्लिप फ्लॉप की एक तस्वीर आ रही होगी, ठीक जी सर समझ आ गया। है? तो उसमें आप देख रहे हो जो आउटपुट आ रहा है या आउटपुट निकल के दूसरे का इनपुट बन रहा है, और जो नीचे वाले का आउटपुट है वो जाके पहले वाले का इनपुट बन रहा है। तो ये सर्किट के तौर पे काम करता है। लाइक आपके बारे आपसे वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन अगर आ भी जाए तो आप ये कह सकते हो कि फ्लिप फ्लॉप इज अ सर्किट दैट एक्ट्स लाइक अ स्विच इन विच द आउटपुट ऑफ वन इज द इनपुट ऑफ अदर। क्या कहा मैंने? फ्लिप फ्लिप फ्लॉप्स आर सर्किट एक्ट्स लाइक अ स्विच व्हेन द इनपुट इज वन द आउटपुट इज जीरो। है, व्हेन व्हेन आउटपुट ऑफ वन इज द इनपुट ऑफ द अदर, कि आउटपुट अगर ओके किसी सर्किट का होता है वो दूसरे का इनपुट बन जाता है। जैसे मैंने कहा कि रॉम की अगर हम बात करें, रीड ओनली मेमोरी, तो यहाँ तो उसने बताया कि भाई रीड ओनली मेमोरी तो वो होती है जो नॉन वॉलेटाइल होती है ना, ना खत्म हो जाने वाली होती है। तो जब आप फर्स्ट टाइम अपना सिस्टम बूट अप करते हो तो एचपी डेल ले लो वो, या अगर मोबाइल फोन ऑन कर रहे हो तो एंड्रॉइड का जो भी लोगो आ रहा होता है, जो लोड कर रहा होता है, तो जो सिस्टम फाइल्स होती हैं नेसेसरी टू बूट अप द सिस्टम वो सारी की सारी आपकी रॉम में होती है, नंबर 1। नंबर 2, ये परमानेंट होती है, आप जब भी अपना सिस्टम लैपटॉप इस रीस्टार्ट करोगे ये डाटा आपके सामने हमेशा आएगा। जब आप लैपटॉप स्टार्ट करते हो तो डेल एचपी जो भी लिखा हुआ आ रहा होता है वो हमेशा आपके सामने आ रहा होता है, उसे पता होता है कि ये सिस्टम कितना प्रोसेसर रखता है, इसकी कितनी रैम है, इसके साथ कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड है। यहाँ उसने बात बता भी दी, दे आर नॉन वॉलेटाइल, ये जो मेमोरी होती है ना खत्म हो जाने वाली होती है, ठीक है? दे आर परमानेंट मेमोरीज, दे ऑलवेज रिमेन्स देयर, द कॉन्टेंट कैन ओनली बी रीड। रीड का मतलब होता है इसमें जो डाटा मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे डाल दिया जाता है, जब बनाते हुए जो फाइल्स उसके अंदर डाल दी जाती हैं वो हमेशा वही रहती हैं, उसके बाद आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो जब आप पावर का बटन दबाते हो, जब आप अपने लैपटॉप का अपने सिस्टम का पावर का बटन दबाते हो, पावर के बटन से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने तक जितना भी काम आपका हो रहा होता है वो करता है आपका रॉम। आई एम रिपीटिंग अगेन, बाय प्रेसिंग द पावर स्विच ऑन ऑफ योर कंप्यूटर टिल द ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स द इंटरनल ऑल द इंटरनल एक्टिविटीज दैट इज परफॉर्म इज बेसिकली डन इन द बायोस। इज दिस क्लियर? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं हम उसको।
बिसाइड्स दैट जैसे जैसे पूछते जाऊं तो वैसे वैसे आप चैट पे भी मुझे रिस्पांस दे सकते हो, ताकि मुझे पता चलते जाए कि आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। सन तो आई सर चैट के वो सिस्टम बूट करता स्क्रीन आ रही है आपके सामने, जी। अब कुछ कुछ ये चीजें नजर आती होंगी। जब अपना लैपटॉप स्टार्ट करो तो F1, F2, F7 वगैरह दबाते हो तो कुछ सिस्टम की सेटिंग्स आना शुरू हो जाती है। ये आ रही है कुछ ये नजर आ रही है? तो लग ये इनिशियली जो आपके पास सारी चीजें होती हैं बायोस होती हैं, ये एक चिप होती है रोम की, उसके अंदर ये सारा डाटा डाला जाता है कि आपकी फर्स्ट बोर्ड डिवाइस क्या होगी, सेकंड बोर्ड डिवाइस क्या होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन, कितनी रैम है, कितनी कौन कौन सी डिवाइस कनेक्टेड है आपके सिस्टम में, आपके सिस्टम का पासवर्ड डालना है नहीं डालना, ये सब चीजें आपके बायोस का हिस्सा होती है। तो ये सब चीजें तो हम कर चुके थे, बता भी चुका हूँ मैं आपको ये सारी चीजें। हाँ, ये सवाल जरूर पूछा जाता है कि रैम एंड रोम मिलकर आपके पास कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं। तो इसमें तो इसने एक एग्जाम्पल दी है कि आप जो टॉय कार होती है उसके अंदर रैम एंड रोम दोनों मिलके काम करती है। अच्छा, रोम की अच्छी एग्जाम्पल यहाँ भी आपको समझ में आएगी कि आपने कभी बचपन में टॉयज के साथ खेला हो तो आप जब उसका स्विच ऑन करते थे बटन, तो अगर वो कोई मोबाइल फोन है या कोई कार है, लेट्स सपोज कोई कार है, कोई रोबोटिक कार है, तो आप देखते थे कि जैसे ही उसका बटन आप ऑन करते थे तो एक सर्टन म्यूजिक प्ले होता था, ठीक है, सर्टेन लाइट्स जलना शुरू हो जाती थी, या उसके जो फंक्शंस थे कि उसका कोई डोर ओपन हो रहा है या वो ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है, यही उसके सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन उसमें गिवन होते थे, वो चेंज नहीं होते थे, ठीक है। तो रोम की हम जब बात करते हैं तो रोम आपके पास हाउस होल्ड डिवाइसेस में कई जगह इस्तेमाल होता है। अब जैसे उसने ये बताया कि अगर आप टॉय कार की बात करो तो रोम के अंदर नंबर वन वो कहता है कि जो फैक्ट्री सेटिंग होती है, रिमोट कंट्रोल कार फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लेट सपोज 1 या 2 मीटर तक वो आपकी फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर सकता है। स्टोरिंग द स्टार्टअप रूटीन व्हेन द टॉय कार इज फर्स्ट स्विच ऑन, स्टार्टअप रूटीन का मतलब है कि जब आपने स्विच ऑन किया तो उसने कोई 4 लाइट्स जलानी है, ठीक है, या 1 या 2 म्यूजिक प्ले करने, तो वो हमेशा वही करेगा। ये टॉयज के अंदर होता ही है कि आप जब भी टॉयज का मतलब चलाते हो, उसको ऑन ऑन करते हो, तो उसको जो सर्टेन टास्क होते हैं, कोई म्यूजिक प्ले करना होता है या कोई लाइट जल रही होती है, तो वो हमेशा एक सिमिलर पैटर्न पे ही काम कर रही होती है। फिर रोम के अंदर क्या आ जाता है, स्टोरिंग ऑफ द सेट रूटीन, फॉर एग्जांपल हाउ बटन्स ऑन हैंड हेल्ड डिवाइस कंट्रोल टर्निंग लेफ्ट एक्सेलरेशन, यानी इस चीज की इंफॉर्मेशन देना कि आपके हाथ में अगर वो है क्या कहते हैं रिमोट कार चला रहे हो तो उसको उस कर्सर को आगे चलाने पे, यानी जो आपका जॉयस्टिक हैंडल लगा हुआ है उसको आगे करोगे तो गाड़ी आगे की तरफ जाएगी, एक्सेलरेट करेगी, अगर उसको लेफ्ट साइड की तरफ करोगे तो आपकी गाड़ी लेफ्ट पे टर्न करेगी, आप राइट साइड करोगे राइट पे टर्न करेगी, और अगर आप बैकवर्ड करोगे तो वो बैकवर्ड की तरफ जाएगी। यानी रोम ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो स्टोर करके रखता है और ये सारी फिक्स्ड होती है। क्योंकि रैम का आपको मैंने बताया कि रैम जो होती है वो करंटली बींग प्रोसेस, जो डाटा करंटली प्रोसेस होता है उसको देखती है। तो करंट क्या होता है, करंट ये होता है कि जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि कितना आगे जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, पीछे जाना है, तो वो कहता है ना कि द यूजर में विश टू प्रोग्राम इन देयर ओन रूटीन दीज न्यू इंस्ट्रक्शन वुड बी स्टोर्ड इन रैम चिप, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे बताता हूँ, आपने शायद अभी देखा होगा, आई थिंक एक बच्चों का टॉय माइक आता है जिसके ऊपर आप जो बोलोगे वही आवाज को वो रिकॉर्ड करके आपको वापस देता है, ये रैम है। तो क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि वो एक ही आवाज आपको बार बार सुनाई देती है, वो ऐसा होता है कि आप कुछ बोलो वो उसको रिकॉर्ड करेगा एंड देन वो आपको रिकॉर्ड करके वापस दे देगा, तो ये भी उसकी एग्जाम्पल हो सकती है। और बिसाइड्स द रैम चिप विल स्टोर द डाटा इंस्ट्रक्शन रिसीव फ्रॉम रिमोट कंट्रोल, तो रिमोट कंट्रोल यूनिट में अगर आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन का ऑप्शन गिवन है तो वो ट्रांसफॉर्म करेगा, आपके पास अगर उसकी मूवमेंट है आप लेफ्ट राइट आगे पीछे जाने की तो वो उस मूवमेंट को परफॉर्म करेगा। क्या ये सारी बातें अब तक की समझ में आती है? जी सर आपका रैम रोम आपके उसमें भी इस्तेमाल होता है, जो आपकी वॉशिंग मशीन है ना, तो वॉशिंग मशीन में आपने देखा होगा कि एक एक वो होता है फिक्स बटन होता है जिसमें 1 या 2 वे लिखा हुआ होता है कि आपकी जो वॉशिंग मशीन की रोटेशन है वो एक 1 वे होनी चाहिए, 2 वे, 2 वे का मतलब होता है कि वो पहले क्लॉकवाइज घूमती है फिर दोबारा से एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, तो ये रोम का फंक्शन हो गया। यहाँ पे रैम का फंक्शन क्या होगा कि आपने उसको सेट कर दिया
आपने टाइमर देखा होगा अपनी वॉशिंग मशीन में, कि जब आप वॉशिंग मशीन चलाते हो तो टाइमर आप सेट कर देते हो, लेट सपोज 10 मिनट, 12 मिनट, 14 मिनट, 15 मिनट। तो ये जो टाइमर का सेट करना है, ये रैम का हिस्सा है। इसी तरह जो घर में एसी लगा हुआ है, एसी के अंदर भी रैम एंड रोम काम कर रहा होता है। रोम के अंदर क्या होता है, रोम का मैंने पहले ही कहा कि रोम की इंस्ट्रक्शन पहले ही से फिक्स्ड इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो फिक्स इंस्ट्रक्शन का मतलब है, आपने देखा होगा आपके रिमोट कंट्रोल में बटन होते हैं, कुछ टर्बो का बटन होता है, क्लीन का होता है, और हीट का ऑप्शन होता है। ये कुछ ऑप्शन होते हैं जो प्री प्री डिफाइंड होते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना होता। आप टर्बो को बटन दबाओगे तो ऑटोमेटिकली डायरेक्शन, टेम्परेचर खुद ब खुद सेट हो जाएगा और वो टर्बो चलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर माइक्रोवेव ओवन की बात करें तो उसके अंदर भी रैम एंड रोम का इस्तेमाल हो रहा होता है। मैं आपको एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ कि आपसे पेपर में पूछ सकता है कि भाई रैम एंड रोम कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। तो रैम एंड रोम आपको तकरीबन हर हाउस होल्ड डिवाइस में नजर आ जाती है। स्प्लिट एसी है, स्प्लिट एसी के अंदर आपके पास फिक्स टेम्परेचर पे भी काम चलता है और रैम के अंदर करंट पे भी करता है। कि आपने लेट सपोज सेट कर दिया कि भाई 21 टेम्परेचर होना चाहिए, करंटली टेम्परेचर 29 चल रहा है। जैसे ही आपने 21 सेट किया, अब हर दफा आपका कंप्रेसर तो चल रहा है, बार बार हर 30 सेकंड या 1 मिनट के ऊपर वो ये चेक करेगा कि जो करंट टेम्परेचर है वो 21 के बराबर हुआ या नहीं हुआ। तो वो जो करंट टेम्परेचर की वैल्यू आ रही होगी, दैट इज 29 इक्वल टू 21, देन 28 इक्वल टू 21, देन 27 इक्वल टू 21, ये सारी की सारी चीजें आपके रैम में होंगी। मैं एग्जांपल दे रहा था आपको माइक्रोवेव ओवन की। कुछ ऐसे माइक्रोवेव ओवन्स भी, अब स्मार्ट माइक्रोवेव ओवन्स आ रहे हैं कि आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप उसके अंदर सिंपल सिंपल जो भी आपकी डिश है उसको डालो, और उसको डालने के बाद वो बटन प्रेस कर दो। लेट सपोज कुछ ग्रिल करना है आपने, तो आपने जो ग्रिल का बटन था उसको प्रेस कर दिया, वो रॉम है, क्योंकि उसमें फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन गिवन है। केक का बटन बना हुआ है, आपने केक दबा दिया। अब उसके अंदर क्या इंस्ट्रक्शन होगी, उसमें इंस्ट्रक्शन होगी कुकिंग टाइम और कुकिंग टेम्परेचर और कुकिंग डायरेक्शन, कि कितनी देर उसको ऊपर से कुकिंग देख मिलनी चाहिए टेम्परेचर, कितने टाइम उसको नीचे से टेम्परेचर मिलना चाहिए, और कितने टाइम उसको साइडों से टेम्परेचर मिलना चाहिए। ज्यादा तेजी से तो नहीं जा रहा, बातें समझ में आ रही? सना, योर रिस्पॉन्स। नमीर एंड राहिम डिसाइड हाँ या ना कहते रहो, नहीं समझ में आया तो दैट आई कैन रिपीट अगेन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? सर अच्छा जी, तो देखो वही वाली बात है, माइक्रोवेव ओवन और रेफ्रिजरेटर, दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। तो ये सब चीजें आ गई। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप हार्ड डिस्क, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज की तरफ आते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज में सबसे पहली और कॉमन सी चीज जो होती है वो हार्ड डिस्क होती है हमारी। तो हार्ड डिस्क के बारे में आपको 3 से 4 चीजें ज्यादा याद, देखो ज्यादा लंबा चौड़ा तो इसमें आपको पेपर में वैसे भी रट्टा मारने की जरूरत होती नहीं है। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि जो हार्ड डिस्क है वो मैग्नेटिक स्टोरेज है। मैग्नेटिक का मतलब होता है कि डेटा मैग्नेटिकली स्टोर होगा, नंबर वन। यानी ये इसका मैकेनिज्म है। यहाँ आपको 3 से 4 चीजों को याद रखना है। एक तो आपको ये तस्वीर नजर आ रही है जो बुक में है, एक मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि जो हार्ड डिस्क होती है ना उसमें होते हैं प्लेटर, जो मेटालिक प्लेटर होते हैं 3 के करीब। अगर आप ये तस्वीर देखो तो आपको नजर आए ये 1, 2 और 3 प्लेटर नजर आ रहे हैं। उसके ऊपर आपको नजर आ रहा है साथ साथ रीड राइट हेड। अब आपको इसमें ज्यादा लंबी चौड़ी बातें याद रखने की जरूरत नहीं है। ये आ रही है, पिक्चर्स आ रही है आपके सामने जो मैंने यहाँ शो की है, पिक्चर्स शो हो रही है आपके पास, जी सर, नजर आ रहा है। ये नजर आ रहा है। तो इसमें आपको देख रहे हो ये प्लेटर्स हैं, 1, 2, 3 प्लेटर्स हैं मेटालिक, और ये जो ऊपर है इसको रीड राइट हेड कहते हैं। वापिस आते हैं, तो जब आपकी हार्ड डिस्क है ना, ये आपको फिगर 6.3.63 नजर आ रही है। 3.63 में आपके पास, आप गौर से देखो तो यहाँ दो चीजों के बारे में बात कर रहा है, एक है ट्रैक और एक है सेक्टर। कोई बताएगा कि ट्रैक क्या है और सेक्टर क्या है? नो आइडिया, आसान है यार, सामने ही तो है तुम्हारे। जैसे ओलंपिक के ट्रैक होते हैं, ठीक है, जितना भी सर्कुलर एरिया है यहाँ पे
ये जितने सर्कल्स बने हुए हैं वी और कॉल्ड डैम एस ट्रैक्स। और उसके बाद जो ये लाइंस जो इसको पिज्जा स्लाइस की तरह काट रही हैं दे आर कॉल्ड सेक्टर्स। क्या कहा मैंने रिपीट? सर, जो लाइंस काट रही है उसको सेक्टर यानी पहले जो ट्रैक बन जाएंगे जैसे ओलंपिक में ट्रैक होते हैं ना, जो है। एथलीट्स दौड़ रहे होते हैं, तो जितना सर्कुलर हिस्सा है ना, सर्कुलर घूम रहे होते हैं वो, तो ये सर्कुलर पार्ट जितना है ये सारे कहलाते हैं आपके ट्रैक। और उसके बाद जब वो मजीद डिवाइड हो रहे हैं तो दे आर कॉल्ड सेक्टर्स। अच्छा गिवन भी आप जरा गौर से देखो, ट्रैक जो है वो रेड से हाईलाइट हुआ हुआ है, ये जो रेड पूरा हिस्सा है ये ट्रैक कहलाता है और ये जो ब्लू पूरा हिस्सा है ये सेक्टर कहलाता है। सना एंड नमीर, क्लियर है? सर, इन सब में बस एक ही ट्रैक सब में बस एक ही ट्रैक है, मतलब अलग अलग ट्रैक्स है ना सबके, ठीक ठीक है। है? तो ये चीज हो गई। अब इसमें आपको याद क्या क्या रखना है? पहली बात, हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक स्टोरेज है। दूसरी बात, हार्ड डिस्क प्लेटर का इस्तेमाल करती है। हार्ड डिस्क के प्लेटर 7,000 टाइम्स अ सेकेंड मूव करते हैं, इतनी तेजी के साथ चलते हैं। नंबर चार, आपकी हार्ड डिस्क पे रीड राइट हेड होता है प्लेटर पे। नंबर पांच, जो आपको मैंने तस्वीर दिखाई थी रीड राइट हेड की, ये जो आगे रीड राइट हेड आ रहा है ये सेंटर ऑफ द डिस्क से लेकर एज ऑफ द डिस्क तक 50 टाइम्स मूव करता है 1 सेकेंड में। आप जितनी भी तस्वीरें देख रहे हो उसमें जो रीड राइट हेड है उसकी एक मूवमेंट होती है, ठीक है ना? तो वो जो मूवमेंट होती है वो 1 सेकेंड में जो है वो 50 टाइम्स मूव करता है। आपके सामने यूट्यूब का पेज खुल रहा है, जी सर, नजर आ रहा है। नजर आ रहा है। अब यहाँ पर अगर ये आपको दिखा सके, ये हार्ड डिस्क है, ये इसका प्लेटर है, इसके ऊपर इसका रीड राइट हेड आएगा, ये रीड राइट हेड आपका मूवमेंट करेगा, ये देख रहे हो कर रहा है मूवमेंट कर रहा है, एज ऑफ द डिस्क से लेके सेंटर ऑफ द डिस्क तक ये मूवमेंट कर रहा है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? जी सर, लेकिन इससे होता क्या इससे रीडिंग हो रही है ना डेटा की, है? अच्छा डेटा ठीक है, रीड हो रहा है, ओके ये जो ओके। मूवमेंट कर रहा है तो ये रीड कर रहा है। नमीर आपने देखी मैंने एक वीडियो जो शेयर की है अभी, यू वर डिस्कनेक्टेड, मैं इसकी जी बात कर सर, रहा अभी था। अभी डिस्कनेक्ट हुआ था। यूट्यूब की वीडियो देखी जो मैंने अभी शो की है, नो सर। जी अभी आ रही है सामने, क्या सर, आ रही है। कर रहा है ये? ये हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क का रीड राइट हेड मूव कर रहा है एज ऑफ द डिस्क से सेंटर ऑफ द डिस्क तक, ये देखो जी सर, मूवमेंट हो रही है, ये मूवमेंट डाटा को रीड और राइट करवा रही है, ठीक है? तो यही आपको कह रहा होता है कि ये सेंटर ऑफ द डिस्क से लेकर एज ऑफ द डिस्क तक 50 टाइम्स आर सेकेंड मूव करता है। ये बात समझ में आती है? यहाँ लिखा हुआ यस भी सर। है रीड राइट हेड इतनी तेजी के साथ मूव करता है कि वो 50 टाइम्स अ सेकंड तक मूवमेंट करता है। तो जो डाटा स्टोर्ड होता है वो सेक्टर और ट्रैक्स के अंदर होता है, ठीक है? फिक्स्ड होते हैं ये। हाँ, इस वाले हार्ड डिस्क के मैग्नेटिज्म में एक इश्यू आता है, उसको आप लेटेंसी कहते हो। कैन यू रीड इट एंड टेल मी दैट इन योर ओपिनियन व्हाट द लेटेंसी इज? लेटेंसी क्या चीज होती है?
time for a block of data to rotate around the read write head. तो ये तो लिखा हुआ है, आप बाकी तो मुझे बताओ आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है सर. कभी कभी हो सकता है रीड राइट ऑन बहुत स्लो हो जाए और डेटा रीड करना थोड़ा सा और तो स्लो हो जाए. आपने एक एनिमेशन देखी जिसमें रीड राइट हेड मूव कर रहा है, ठीक है. ये रीड राइट हेड डेफिनेटली इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देता हूँ कि आप एक डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं जो राउंड टेबल है, उस राउंड टेबल पे आपके पास मुख्तलिफ डिशेज रखी हुई हैं और डेफिनेटली आपके फेस पे, आप जिस फेस पे बैठे हुए हो उस पे फेस पे एक ही डिश आपके सामने आ सकती है, बाकी डिशेज तो फिर अलग अलग उस तरह होंगी ना, कि जैसे अगर आप क्लॉक की बात करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो सब अलग अलग जगह होते हैं. तो इसमें ये कहता है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर डाटा चाहिए हो तो लाजिम तो नहीं है कि हर डाटा आपके रीड राइट हेड के सामने ही पड़ा हो, आपकी लोकेशन डाटा की कुछ और हो सकती है, रीड राइट हेड से दूर हो सकता है वो. तो जब आप कोई रीडिंग कोई डाटा की तरफ जाना चाहते हो, कोई डाटा सीक करते हो, सीक का मतलब डाटा तलाश करते हो, तो ऐसा हो जाता है कि आपका डाटा रीडिंग के अंदर थोड़ा सा टाइम ले ले, लाइक इवन वो कुछ नैनो सेकेंड्स ही क्यों ना हो लेकिन वो थोड़ा सा टाइम ले ले, तो उस टाइम डिले को आप लेटेंसी कहते हो. जितना टाइम आपको किसी एक स्पेसिफिक ब्लॉक तक पहुंचने में लगे, यानी आपके रीड राइट हेड को किसी डाटा को सर्च करने के लिए जो भी थोड़ा बहुत टाइम लगता है स्पेसिफिक ब्लॉक पे पहुंचने के लिए, वो चीज आपकी लेटेंसी कहलाती है. अब देखो नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि यूजर विल समटाइम नोटिस द इफेक्ट ऑफ लेटेंसी व्हेन दे सी मैसेज सच एज प्लीज वेट और नॉट रिस्पॉन्डिंग. यानी आपने कोई डाटा डबल क्लिक किया और अचानक आपके सामने आ गया नॉट रिस्पॉन्डिंग, इसका मतलब है, या लोडिंग पे चला गया, तो इसका मतलब है कि वो डाटा को तलाश तो कर रहा है डिवाइस के ऊपर, मिल नहीं रहा, लेकिन जैसे ही मिल जाता है तो वो आपके सामने ले आता है. तो शायद 3-4 सेकंड का डिले, 5 सेकंड का डिले आ सकता है. दिस इज कॉल्ड लेटेंसी. डिफाइन भी तो ये कर रहा है ना कि इट इज डिफाइन एज द टाइम इट टेक्स फॉर अ स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ डेटा ऑन अ डेटा ट्रैक. डेटा ट्रैक में कोई डाटा पड़ा हुआ है और उसको एक्सेस करने में जो आपको थोड़ा सा भी टाइम लग रहा है, वो चीज आपकी लेटेंसी कहलाता है. इज दैट क्लियर? यस सर, क्लियर. ठीक है. जो मस्जिद में जाते हैं लोग, आप लोग जाते हो बॉयज, तो आप देखते हो कि जब जमात से पहले लोग बिखरे हुए बैठे हुए होते हैं, ठीक है ना, लेकिन जैसी जमात खड़ी होती है तो जब लोग सफों के अंदर मुकम्मल करने में चले जाते हैं तो अचानक से पीछे की जो स्पेस होती है वो बढ़ जाती है. यानी आप नमाज के लिए गए और आपने देखा कि यार अभी तो मस्जिद भरी हुई लग रही है, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे नमाज खड़े होने का टाइम आता है और जब इकामत होती है और जब जमात खड़ी होती है, तो आपने देखा होगा कि सब लोग जब आगे पहुंच जाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर पीछे काफी स्पेस बच जाती है. तो यहाँ पे भी उसकी एग्जाम्पल इस तरह से देता है कि जब आपके पास डाटा आता रहता है आपके सिस्टम में, तो वो डाटा डिस्क में कहीं पे भी रख दिया जाता है. तो इसकी वजह से होता ये कि वो डिफरेंट लोकेशंस पे, यानी डिफरेंट सेक्टर्स पे जब पड़ा हुआ होता है तो वो अलग अलग डिस्क्रीट लोकेशंस पे पड़ा होता है. तो जब वो अलग अलग डिस्क्रीट लोकेशंस के ऊपर पड़ा हुआ होता है तो होता ये है कि वो ज्यादा स्पेस ले रहा होता है. जब वो ज्यादा स्पेस ले रहा होता है तो फिर आप डिफ्रेगमेंटेशन चला देते हो. डिफ्रेगमेंटेशन चलाने का मकसद ये होता है कि वो क्या करता है कि वो फाइल को दोबारा से रीऑर्गेनाइज कर देता है. या मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक रूम है और आप उस रूम में सामान ला के रखते रहते हो, लेकिन ऑर्गेनाइज वे में नहीं रखते, तो एक टाइम आएगा कि आपका रूम वो भरा भरा लगने लगेगा. फिर आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि आप उस रूम की थोड़ी सफाई वफाई करोगे, या फिर आप क्या करोगे उस रूम के अंदर जो डाटा है उसको ऑर्गेनाइज वे में रखना शुरू कर दोगे. तो जैसे ही आप उस सारे डाटा को ऑर्गेनाइज करना शुरू करोगे, आपकी स्पेस बच जाएगी. तो वो जो फ्रेगमेंटेशन होती है वो यही चीज होती है कि डाटा को ऑर्गेनाइज वे के अंदर जब आप ले जाना शुरू कर देते हो तो वो आपके पास स्पेस को बचा लेता है. जैसे अगर आप देखो कि आपने डाटा, आपके पास डाटा आया, लेफ्ट साइड की डायग्राम में वो डाटा किसी अलग सेक्टर पे इधर 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 पड़ा हुआ है, तो जब आपने उसको डिफ्रेगमेंट किया तो
तो वो डाटा अलाइन होके एक जगह आ गया और उसने एक कंटिन्यूअस लोकेशन आपके सिस्टम को प्रोवाइड कर दी एज अ फ्री स्पेस। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया? फ्रेगमेंटेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती फाइल की इनिशियली जो आ रही होती है, ये उसको ऑर्गेनाइज कर देता है। सर, जब डेटा ऑर्गेनाइज हो जाता है उससे क्या होता है? क्या रीड एंड राइट और ज्यादा जल्दी चलता है? हाँ, उससे एक तो ये होता है कि रीड एंड राइट फास्ट हो जाता है, प्लस डिस्क की स्पेस बढ़ जाती है, जो स्लो डाउन हो रहा होता है सिस्टम, वो चीज़ अच्छी बेहतर हो जाती है। क्योंकि अलग अलग लोकेशन पे पड़ा होता है, जब आप उसको एक तरफ कर देते हो तो एक्सेसिंग ऑफ डाटा तेज हो जाता है। ये बात सही है ना कि अगर आपका डाटा अलग अलग जगह पे पड़ा हुआ है तो आपको रीड करने के लिए इधर भी देखना है, इधर भी देखना है, इधर भी देखना है, इधर भी देखना है। लेकिन अगर एक कंटिन्यूअस लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है तो डाटा आपके लिए सर्च करना आसान होगा। ठीक है सर। इतनी एग्जाम्पल आप देख सकते हो। देखो, मैंने आपको जो दो तीन एग्जाम्पल दिखाई है वो यही बता रही है कि फ्रेगमेंटेशन के ऊपर डाटा अलग अलग लोकेशन पे पड़ा हुआ है, लेकिन जब डीफ्रेगमेंट हो गया तो आपका डाटा अलाइंड हो गया। इज दैट क्लियर? यस सर, इट्स वेर। पीडीएफ आ रही है सामने? नहीं सर, वही बुक का पेज है सर। कोई पीडीएफ ही आ रही है ना सामने? पीडीएफ अच्छा, हाँ ठीक। ही तो है यहाँ बता रहे हैं ना। देखो कि कई दफा ऐसा होता है कि यहाँ लिखा हुआ है, थ्रू द टाइम द एचडीडी विल अंडरगो न्यूमेरस डिलीशन एंड एडिटिंग व्हिच लीड्स टू सेक्टर बिकमिंग इंक्रीजिंगली फ्रेगमेंटेड। सम टाइम ऐसा होता है डाटा आ रहा है जा रहा है, यानी डाटा आ गया फिर डिलीट कर दिया, आ गया डिलीट कर दिया, तो आपके पास बहुत सारी जगह खाली वाली बच जाती है इस तरह। तो फिर इसलिए आपके पास जो अलग अलग जगह है, चंक्स बचे हुए होते हैं, उसकी वजह से डाटा को रीडिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा होता है। तो डिफ्रेगमेंटेशन क्या करता है, वो आपके सेक्टर को फिर अलाइन कर देता है। तो डिफ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर कैन इम्प्रूव ऑन दिस सिचुएशन बाय टाइडिंग अप द डिस्क सेक्टर। तो फिर वो जितना भी डाटा होता है वो एक ऑर्डर के अंदर हो जाता है, ऑर्डर के आने की वजह से उस डाटा की एक्सेसिंग तेज हो जाती है। ये बात समझ में आती है? आपकी हार्ड डिस्क के साथ साथ एक रिमूवेबल हार्ड डिस्क भी आती है, पासपोर्ट कहते हो उसको आप, तो वो बस एक्सटर्नली डाटा के लिए इस्तेमाल होती है, बैकअप शैकअप बनाने के लिए। उसमें इतना सही बताया है। हाँ, एक्चुअल इन कंट्रास्ट अगर हम बात करें, ठीक है, ये जितना मैंने हाईलाइट किया वही मैं आपके साथ पॉइंट शेयर कर दूंगा, इसको आप अपने पास याद करके लिख लेना, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा एज अ नोट्स। एसएसडी का फर्क जो होता है, तीन या चार चीजें याद रखना, कि जो हार्ड डिस्क में लेटेंसी का इशू आता था सबसे बड़ा, तो वो वाला इशू इसने खत्म कर दिया, क्योंकि इसके अंदर कोई रीड राइट हेड होता ही नहीं है। जब रीड राइट हेड रहा ही नहीं तो फिर देर कैसी, ये इसका सबसे बड़ा फायदा होता है। अब आप देखो, मैं आपको एक पिक्चर्स दिखा रहा हूं, तो इन पिक्चर्स में आप देखोगे कि कोई भी प्लेटर वाला ऑप्शन ही नहीं है, यानी मेटेलिक प्लेटर है ही नहीं। आपके पास चिप्स हैं, तो चिप्स जहां इस्तेमाल होती हैं उसके कई फायदे हैं। हार्ड डिस्क को अगर आपकी झटका वटका लगता है ना, वो शॉक प्रूफ नहीं होती, उसका अगर रीड राइट हेड लूज हो गया, झटका लगा और रीड राइट हेड ने काम करना बंद कर दिया, तो आपकी हार्ड डिस्क गई। हार्ड डिस्क का मैकेनिज्म जो है वो मैकेनिकल है, वो मूवमेंट के ऊपर होता है, मैकेनिकल मूवमेंट पे होता है। अगर हार्ड डिस्क के रीड राइट हेड खराब हो गया तो आपकी हार्ड डिस्क गई। लेकिन एसएसडी के अंदर आप देखो, तो एसएसडी में तो देखो चिप लगी हुई है, कैशे मेमोरी, कंट्रोलर, नैंड फ्लैश मेमोरी, ये लगी हुई है। तो एक तो ये फायदा होता है कि क्योंकि इसमें घूमने का मैकेनिज्म नहीं है, तो ये पावर कंजम्पशन बहुत कम लेती है। अगर आप अपनी हार्ड लैपटॉप के अंदर एसएसडी लगा लो ना, तो एसएसडी जैसे अगर लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगी है, तो हार्ड डिस्क की वजह से आपका लैपटॉप का बैकअप आ रहा है 2 घंटा, तो एसएसडी की वजह से वो बैकअप बढ़ के 2.5 घंटा हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैकेनिकल मूवमेंट नहीं है। साथ साथ लेटेंसी का इशू रहेगा ही नहीं, लेटेंसी का इशू नहीं रहेगा तो आपका डाटा तेजी के साथ एक्सेस करे। यहाँ कह रहा है कि लेटेंसी जो होता है वो इशू होता था हार्ड ड्राइव सॉलिड स्टेट के अंदर, उसमें हार्ड डिस्क में, लेकिन सॉलिड स्टेट ड्राइव ने ये वाला इशू ही खत्म कर दिया, क्योंकि जब कोई मूवमेंट ही नहीं रही
तो फिर सारा का सारा डाटा सेम रेट के ऊपर मूव करना शुरू हो गया। तो ये कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर